मेरे प्रिय आईएसपीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। एक बड़ी मज़ेदार घटना है, वो बताने जा रहा हूँ प्रशासन की। इससे आपको प्रशासनिक हायरार्की के बारे में भी ज्ञान होगा। ये इसी चैनल के लायक है, अन्यथा मैं इसे एपीएलएम पर बताता। उससे पहले एक बात बता दूं कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन वाला वीडियो कल धोखे से डिलीट हो गया था, दोबारा वो अपलोड नहीं हो सकता उसी रूप में। यूट्यूब का नियम है कि एक बार जो अपलोड हो जाता है वो दोबारा अपलोड नहीं हो सकता है। मैंने प्रयास भी किया लेकिन यूट्यूब के नियमों में ये एक अनियमितता होती है, वो करना ठीक नहीं है। मैं फिर बना दूंगा, चिंता मत करिए। कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो मैं फेसबुक पर अपलोड कर सकूँ। फेसबुक का जो मेरा कोई ग्रुप है उस पर मैं पोस्ट करूँगा, सभी ग्रुपों में लिंक शेयर कर दूँगा, क्योंकि इससे कई लोगों ने बहुत लाइक किया और मेरे पास कल से व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर ये कैसे डिलीट कर दिया, इसमें तो ऐसा क्या था। कुछ नहीं था, बस कुछ टेक्निकल वजह थी जिसकी वजह से वो डिलीट हो गया। मिल जाएगा, चिंता न करिए। तो एक मज़ेदार वाकया ये है कि जब आईएएस को पीसीएस अधिकारी के अंडर में काम करना पड़ा, तो ऐसा कैसे हुआ। बात देहरादून की है। मैं ट्रेजरी अफसर पोस्ट हुआ था और ट्रेजरी ऑफिसर सब ट्रेजरीज का निरीक्षण करते हैं। वहाँ पर मैं ट्रेनी था, 1981 बैच का पीसीएस अधिकारी हूँ, ट्रेजरी ऑफिसर था। वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था डीडी गुप्ता जी, उस समय देवी दयाल गुप्ता जी, मेरे इलाहाबाद के एक ही मकान के अलग अलग कमरों में रहने वाले साथी थे, सीनियर थे, मैथमेटिक्स से एमएससी थे, मैं केमिस्ट्री से डिफिल था। वो पहले पीसीएस हो गए थे, वो वहाँ पर सीनियर ट्रेजरी अफसर थे, बाद में पंत जी आए, या पता नहीं पहले पंत जी थे बाद में वो आए, उस समय बहला डीडी गुप्ता जी थे। तो बहुत हम लोगों में भाईचारा था, मैं बहुत जूनियर था फिर भी, क्योंकि डीडी गुप्ता मेरे मित्र थे इलाहाबाद के ज़माने के, हम लोग एक ही मकान में रहे थे। तो वो एक भाईचारा और एक विश्वविद्यालय का भाईचारा बहुत ज़बरदस्त होता है। तो गुप्ता जी बोले कि ट्रेजरी अफसर को नॉर्मली छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि उसका चार्ज कौन ले। नियम ये होता है कि ट्रेजरी का चार्ज डीएम पे जाता है, अगर ट्रेजरी अफसर को छुट्टी लेनी हो तो डीएम को ही चार्ज दिया जाएगा, और डीएम के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जो है चार्ज संभाल सकें। तो सामान्यतः ट्रेजरी अफसर को छुट्टी नहीं मिलती थी उस ज़माने में, क्योंकि तब ज़िले में एक ही पोस्ट होते थे ट्रेजरी अफसर। बाद में एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट भी आ गई और एडिशनल एक नहीं दो दो तीन तीन होने लगे। अब छुट्टी मिलने में कोई विशेष समस्या नहीं होती है, हालांकि ट्रेजरी अफसरों को कम छुट्टी मिलती है, क्योंकि उनका जिम्मा फाइनेंशियल है ना, इसलिए इमरजेंसी टाइप की सर्विसेज होती हैं। गुप्ता जी बोले कि भाई दीक्षित जी, अब तो आप आ गए हैं तो तीन दिन चार दिन जो है आप संभाल लीजिए। मैंने कहा मैं तो ट्रेनी हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। बोले वो सब स्टाफ समझा देगा, आप महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो जिलाधिकारी से पूछ के लीजिए, मैंने कलेक्टर साहब से बात कर ली है और उन्होंने परमिट कर दिया है, तुम उनसे मिल लो जाके, वो तुम्हें चार्ज दे देंगे और समझा देंगे। खैर, मैं मना तो करने का मतलब ही नहीं है, अनुभव मिलता। बाद में पता चला कि गुप्ता जी ने ये मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल अनुभव देने के लिए ही किया था, वो मेरे वेलविशर थे और वो चाहते थे कि ट्रेनिंग यूं ही ना बीते जैसे लोग यूं ही मजाक में बैठे चाय पीते पिलाते गुजार देते हैं, मुझे कुछ प्रैक्टिकल अनुभव मिले। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, बड़ी मज़ेदार। उसी दौरान इंस्पेक्शन की डेट लगी हुई थी मसूरी सब ट्रेजरी की, तब देहरादून मसूरी उत्तर प्रदेश में ही था,
मसूरी सब ट्रेजरी की डेट लगी हुई थी निरीक्षण की, विस्तृत निरीक्षण यानी सूचित निरीक्षण। एक तो होता है औचक निरीक्षण, औचक का मतलब होता है सरप्राइज, कभी भी कोई आ जाए। मसूरी में सब ट्रेजरी थी और वो नॉन बैंकिंग सब ट्रेजरी थी, यानी वहाँ पर कैश गिना जाता था, कैश रखा जाता था चेस्ट में। ज़्यादातर ट्रेजरीज में क्या होता था कि बैंक के लिए बिल जारी किया जाता था, पेमेंट बैंक से होता था, रुपया बैंक में रखा जाता था, स्टेट बैंक में। बाद में 14 बैंक और नॉमिनेट कर दिए गए थे, अब तो सभी बैंक हैं, तो पैसा वहाँ रखा जाता था। ट्रेजरी में कोई कैश नहीं रहता था। मैंने अपने ज़माने में मुरादाबाद ट्रेजरी में जब मैं रहा हूँ तो वहाँ कोई कैश नहीं रहता था, सिवाय कुछ सिक्कों इक्कों के जो अंग्रेज़ों के ज़माने के पड़े हुए थे धरोहर के तौर पर, बाकी सब कैश स्टेट बैंक में रहता था। लेकिन मसूरी सब ट्रेजरी में कैश होता था उस ज़माने में, अब वहाँ कहीं भी नहीं होता। और वो जो है गिन के पेमेंट हुआ करता था, खजानची बैठा करते थे। और एक मज़े की बात थी, सिर्फ दो जगहें यूपी में ऐसी थीं जहाँ पर सब ट्रेजरी अफसर ट्रेजरी विभाग का नहीं होता था, तो कौन होता था? मैंने एक वीडियो में बताया था कि सब ट्रेजरी अफसर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट पीसीएस से नहीं होता है, वो या तो तहसीलदार होता है, जो नायब तहसीलदार से प्रमोट होते हैं उनका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जैसे कलेक्टर, ध्यान से समझिएगा, इंटरव्यू का भी प्रश्न है ये, जैसे कि कलेक्टर ट्रेजरी अफसर होता है थ्योरेटिकली और तात्विक रूप से लीगली ही इज़ डी ज्यूरे ट्रेजरी ऑफिसर, और डी फैक्टो ट्रेजरी अफसर वो होता है जैसे कि मैं था पीसीएस अधिकारी। डी फैक्टो का मतलब जो वास्तव में काम करे, डी ज्यूरे का मतलब जिसका ज्यूरिसडिक्शन हो, जो विधिक रूप से हो। ऐसे ही डिप्टी कलेक्टर एसडीएम एक ही बात होती है, तो डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम जो ट्रेजरी जो तहसील में होते हैं वो सब ट्रेजरी अफसर भी होते थे। कुछ जगह पर सब ट्रेजरी ऑफिसर विभाग के भी थे। ये कौन होते थे? एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट होती थी, उनको कभी कभी सब ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर रखा जाता था। थोड़ी सी व्यवस्था बदल गई है आजकल, लेकिन ऐसा ही लगभग चलता है। तमाम सारी सब ट्रेजरीज में यानी तहसीलों में जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद पर जो पीसीएस की लोक सेवा आयोग द्वारा जो नियुक्त होते हैं उनको सब ट्रेजरी अफसर बनाया जाता था। तो तीन तरह के सब ट्रेजरी ऑफिसर थे। एक तो थे जो लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा चुने जाते थे और ट्रेजरी ऑफिसर के नीचे के पे स्केल के होते थे, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होते थे वो। एक होते थे जहां पर कोई नहीं होता था, तो ट्रेजरी ऑफिसर जो है वो तहसीलदार को सब ट्रेजरी ऑफिसर का चार्ज सौंप देता था, यानी कि कलेक्टर सौंप देता था, तो तहसीलदार ये काम करते थे। लेकिन कुछ ट्रेजरी, सिर्फ दो, जहां पर एसडीएम जो है वो सब ट्रेजरी अफसर होता था। एसडीएम आप सभी लोग जानते हैं पीसीएस अधिकारी है, वही पीसीएस लिखने का आजकल हकदार है, हमारे ज़माने में नहीं, तब तीन चार सर्विसेज वाले अपने को पीसीएस लिखा करते थे, आजकल सिर्फ एसडीएम ही अपने को पीसीएस लिखते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। परगनाधिकारी कहते थे पहले हमारे समय में, आजकल उप जिलाधिकारी कहते हैं। तो मसूरी और एक और जगह में, मुझे याद नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ पर लखनऊ में, हाँ शायद, तो वहाँ पर जो एसडीएम होते थे वो आईएएस होते थे। आजकल आईएएस ट्रेनिंग प्रायः एसडीएम ही रहते हैं लंबे समय तक, आपने निशांत जैन का एग्जांपल देखा होगा, लंबे समय तक एसडीएम ही रहे, और इस समय क्या है मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन आजकल आईएएस एक लंबे समय तक एसडीएम ही रहते हैं। संभवतः डीएम के पदों की संख्या कम होने के कारण ऐसा हुआ है, अभी एक बड़े बैच पहले निकल गए हैं तो वो लोग अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये सब कारण है, या उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। लोग ज़्यादातर डीएम ही रहना चाहते हैं तो प्रयास कर करके डीएम ही बने रहते हैं, तो डीएम के पद खाली नहीं हो रहे। ये जागीर जिसने संभाल ली तो संभाल ली, ये मनसबदारी है, जिसने एक बार संभाल ली जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, तो पद खाली नहीं होंगे तो डीएम कैसे बनेंगे। तो आजकल जो आईएएस जाता है वो एसडीएम बहुत साल तक रहता है, तब ऐसा नहीं होता था, 6 महीने के लिए नए आईएएस को ट्रेनिंग के तौर पर एसडीएम रखा जाता था, सिर्फ दो जिलों में, लखनऊ एंड मसूरी। मसूरी का लॉजिक क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसूरी में रखे जाते थे। तो उस समय एक नवीन कुमार जी आईएएस तो नए लड़के होते हैं, 25-30 साल के बीच में उम्र होती है, 22-24 साल की भी होती है कई बार, तो
ऐसे ट्रेनिंग के बाद आते हैं, एक साल की ट्रेनिंग की, सैंडविच प्रोग्राम में जिले में भेज दिए गए, 21 साल पे सेलेक्ट हुए, 22 23 साल में SDM हो गए। ऐसे भी हैं, अभी हाल में एक बिल्कुल एक नई उम्र के अधिकारी जो हैं वो IAS हुए हैं, जो 21 साल की उम्र पे ही हो गए पहले ही प्रयास में, तो वो भी 24-25 साल की उम्र के रहे होंगे। तो नवीन कुमार उस समय SDM थे, और SDM होने के नाते वे सब ट्रेजरी ऑफिसर थे। मैं उनका इंस्पेक्शन करने पहुंचा, DD गुप्ता की जगह पर मैं गया, PCS अधिकारी मैं था, DD गुप्ता भी PCS अधिकारी थे, अगर वो जाते तब भी यही बात होती। SDM जो कि IAS थे वो बैठे थे, मुझे देखते ही खड़े होकर मेरा स्वागत किया। IAS के अंदर एक विशेषता है, विनम्रता PCS से कहीं ज़्यादा होती है, दंभ PCS में ज़्यादा पाया जाता है, IAS में दंभ नहीं शक्ति होती है। एक्चुअली जहाँ शक्ति होती है वहाँ विनम्रता आ ही जाती है ना, एक खास बात है। पेड़ जितना ही ज़्यादा फलों से लदता है उतना ही झुकता है। PCS को दिखाना पड़ता है कि मैं PCS हूँ, मैं अधिकारी हूँ बार बार, और ये बात स्वभावतः PCS के गुणधर्म है ये, तो वो मेरे अंदर भी आई बाद में, मैंने जीवन में महसूस किया कि मुझे ये दंभ कई बार प्रदर्शित करना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट IAS होता तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे चारों ओर जो अर्दली और जो तमाम सारे फॉलोअर और स्टाफ और स्टेनगंधारी और ये और वो दुनिया भर के सब कहानी अपने आप कह देते, लेकिन एक PCS अधिकारी को SDM छोड़ के और DP/SP छोड़ के और किसी को तो ये सब मिलते नहीं हैं। मिलते हैं अर्दली बर्दली, ऐसे ही सोते जागते टाइप के लोग होते हैं, पुलिस वाले वो होते हैं जो एकदम कवर में पैर लटकाए, एकदम बिल्कुल यानी कहना है मतलब रिटायरमेंट के नज़दीक, बिल्कुल मरे टूटे से, जिनके कोई अंग काम नहीं करते हैं, जिनकी बंदूकें भी काम नहीं करती हैं, वो मुँह लटकाए से एकदम निराश से बिल्कुल खड़े रहते हैं। अगर हमें एनफोर्समेंट में पुलिस भी मिलती है, वो ऐसी पुलिस नहीं होती कि अगर उससे कुछ काम पड़ जाए तो वो कुछ काम कर दे। हाँ, भाग बहुत अच्छे लेते हैं वो, भाग लेने का मतलब पार्टिसिपेशन करना नहीं, रन अवे। अगर मुसीबत आएगी तो सबसे पहले वे भागते हैं जो हमारे साथ पुलिस वाले होते हैं, तुरंत भाग के एकदम कहाँ गायब हो जाते हैं कोई नहीं जानता, और जब बाद में उन्हें ढूंढा जाए तो हमेशा कहते हैं अरे साहब मैं तो वहीं जरा लघु शंका करने गया था, कोई दीर्घ शंका करने चले जाते हैं, चपरासी भी उन्हीं के साथ हो लेते हैं मुसीबत में साथ देने के लिए, हमें अकेला छोड़ देते हैं। तो हमें तमाम सारे टैक्ट से काम लेना पड़ता है, थोड़ा दंभ भी दिखाना पड़ता है, थोड़ा अपनी पावर भी दिखानी पड़ती है। IAS को वो पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पावर चारों ओर विद्यमान रहती है। तमाम जब वो कहीं अभियान पे जाते हैं तो पूरे पूरे कहो ट्रक PAC के चलते हों, तमाम सारी चीज़ें मैंने देखा है। कलेक्टर के साथ कई दिन मैं रहा हूँ और उनके निरीक्षणों में साथ रहता था, तो मुझे पता है कि एक बहुत ही अधिक शक्तिशाली पद है, उसे कहीं ये कहना नहीं पड़ता तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कलेक्टर हूँ, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कई बार ये कहना पड़ जाता है कि तुम अभी जानते नहीं हो मुझे, मैं क्या चीज़ हूँ। तो ये बेसिक डिफरेंस है, जन्म कुंडली का डिफरेंस है, DNA RNA का डिफरेंस है, और भगवान जाने किस किस चीज़ का डिफरेंस है, ये सब है। वो तो गनीमत है कि मुझे ट्रेनिंग IAS के साथ मिली थी एक ही बैच में। नैनीताल की बिल्डिंग चूँकि गिर गई थी, वो बन रही थी, तो बिल्डिंग की कमी थी, इसलिए IAS के साथ ही रहने को मिला, और IAS बैच के 82 बैच के साथ 81 बैच ट्रेजरी अफसर का रहा था। ट्रेनिंग भी सेम लोगों ने दी, ट्रेनिंग हॉल भी एक ही था, टास्क भी एक जैसे थे, सारे काम थे, तो ईश्वर कृपा से बहुत ही। लेकिन ये बड़ा घातक रहा, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद दिमाग तो बन गया IAS जैसा, रहे PCS अधिकारी, तो सबॉर्डिनेशन सहना ज़रा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि पाठ तो पढ़ा दिया गया IAS की तरह, लेकिन कर्म से तो PCS थे, तो ये दिक्कत आई। अब जब प्रमोट भी होते हैं तो हम कलेक्टर तो होते नहीं हैं, अगर प्रमोट होकर IAS के समकक्ष होंगे तो बराबर बैठेंगे, पद सेम होगा, अधिकार सेम होंगे, लेकिन हम प्रमोट होकर कलेक्टर नहीं बनेंगे, ADM नहीं बनेंगे, SDM नहीं बनेंगे, सचिव नहीं बनेंगे, ये सब नहीं होगा। हम अपने ही विभाग में घूमते रहेंगे और वहीं पर जो है ग्रह नक्षत्रों की तरह चक्कर काटते रहेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी विशेषता मैंने देखी है IAS के चरित्र में और PCS के चरित्र में, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। IAS बहुत नीट एंड क्लीन रहता है, बहुत ही जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं प्रायः अपने जीवन में। मैंने जितने IAS देखे वो सभी योग ध्यान और आध्यात्मिक होते हैं, योग ध्यान करते हैं ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा, बड़े ही मृदुभाषी होते, एक दो को छोड़ के एक गाली भी देते थे, अलीगढ़ के DM थे एक, वो गाली दिया करते थे, माँ बहन सुनाया करते थे, और एक और महिला अधिकारी थी वो बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ देती थी, तबीयत से, बुरी बुरी कहने की बजाय अच्छी अच्छी कहना ज़्यादा सही है, तो वो तबीयत से देती थी गालियाँ,
सबॉर्डिनेट अधिकारियों को और ख़ास करके मेरे विभाग के अधिकारियों को, सेल्स टैक्स वालों को बहुत अच्छे से देती थी। तो क्योंकि हो थोड़े कर्म भी ऐसे ही होते हैं ना, असल में गाली खाने वाले कुछ लोगों के, तो वो खाते ही हैं गाली, क्या किया जाए। लेकिन ज़्यादातर मृदुभाषी होते हैं, उनके सन्नाटे में एक बड़ा भारी बवंडर और तूफान छिपा होता है। जिस समय एक आईएएस अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट पीसीएस को अपने चेंबर में या अपने मीटिंग हॉल में बुलाता है और बुला के जब उसको अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, तो एक अजीब सा सन्नाटा पूरे में छाया होता है। हाथ बांधे हुए दो चार लोग खड़े होते हैं अंदर, बाहर तो फौज होती पूरी, बाहर तो बहुत लोग खड़े होते हैं, पूरी भीड़ होती है, लेकिन अंदर भी अर्दली, चपरासी, फॉलोअर, कोई दरोगा भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, ये सब तमाम लोग खड़े होते हैं, निर्देश पाने के इच्छुक तमाम अधिकारी बैठे होते हैं, एकदम सन्नाटा छाया होता है। ऐसे में जब पेशी होती है, जब वो किसी बात के लिए बुलाते हैं, तो कोई वो आपको प्यार से गोद में बिठा के सहलाने के लिए नहीं बुलाते हैं, लेकिन पीसीएस अधिकारियों की तरह डांटते नहीं। पीसीएस अधिकारी अंदर बैठा होगा सीनियर, टूट पड़ेगा भूखे बाघ सा, एकदम बुरी तरह से डांटने पर आमादा हो जाएगा, लेकिन आईएएस अधिकारी होगा तो वो बहुत शांति से और ये पूछेगा सिंपली कि आपने ये किया, आपको पता है आपने क्या किया, आपको नहीं मालूम है कि आपने क्या किया, आपको ये भी नहीं मालूम कि क्या हो सकता है आपके मुंह से, कोई अगर आप पीसीएस अधिकारी हैं या सबॉर्डिनेट हैं तो आपके मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, वो घिग्गी बन जाती है, आप सिंपली एम ए करने लगते हैं। तो कहते ठीक है, मैंने सब जान लिया है, मुझे केवल आपको बताना था। फिर वो अपने स्टेनो की ओर मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि इनको नोटिस पकड़ा दीजिए यहीं पर, जिससे कि कोई ये बवाल ना करें, बाद में नोटिस ना लें, कुछ ना लें, शो कॉज नोटिस इनको यहीं दीजिए मेरे सामने, पहले से टाइप करा कराया रहता है, चार्जशीट हो या नोटिस हो या सस्पेंशन ऑर्डर हो या कुछ भी हो, या धमकी हो या वार्निंग हो, चेतावनी हो, वार्निंग को हिंदी में धमकी कहेंगे, तो वो कुछ भी हो तत्काल पकड़ा दिया, इसके बाद का ठीक है जाइए काम करिए जाके, और अगर सस्पेंड कर दिए तो ठीक है आप जो लिखा है वो करिए। बहुत कूल माइंड से वो अपना मस्तिष्क का संतुलन नहीं बिगाड़ते। मैंने पीसीएस अधिकारियों को देखा आग बगुला होते, मुंह से झाग फेंकते तमाम, क्योंकि उन्हें बार बार ये जताना पड़ता है कि मैं अफसर हूँ, मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं तुम्हारा ये बिगाड़ दूंगा, वो बिगाड़ दूंगा। मैंने पीसीएस अफसरों को पिटते देखा, आईएएस को पिटते नहीं देखा कभी, पीसीएस अधिकारियों को पिटते देखा, बाजारों में सरेआम पिटते देखा, क्योंकि ये जब जब बताने की कोशिश करते हैं तो व्यापारी ने धुन देता है तबीयत से, वो कहता है ठीक है तुम ये कर सकते हो तो हम तुम्हारा वो कर लेंगे, ये होता है। इसलिए पीसीएस अधिकारी बहुत टैक्टफुल होता है, ये चुनाव बड़ा अच्छा कराता है, इसकी जब चुनाव में ड्यूटी लगती है तो ये आईएएस से ज़्यादा अच्छा चुनाव करा लेता है, क्योंकि टैक्टफुल होता है, इससे हर वक्त पिटने का भय रहता है, तो ये अपनी खोपड़ी बचाने के लिए हर संभव टैक्ट अपनाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बहुत ज़्यादा टैक्टफुल होता है, इसलिए घाघ हो जाता है, और कभी कभी ये एक तरह का बड़ा बाबू लगने लगता है देखने में, यानी कि हेड क्लर्क लगने लगता है। हेड क्लर्क कैसे होते हैं, पान चबाए हुए, पान खाए हुए, टैक्टफुल हैंडलिंग करके अपने स्टाफ को संभालते हुए, बॉस की निगाहों में गिर न जाएं तो वो उनके आगे एकदम निहायत मक्खन पॉलिश लपेटते हुए, एकदम हर बात में जी हाँ सर करते हुए, ये मुझसे हुआ नहीं कभी। तो ये जो पीसीएस अधिकारी जो बाबू बन जाता है एकदम से, वो जो पान खाए हुए हसपान, इनकी विशेषता होती है, ज़्यादातर क्लर्कों की विशेषता पान खाना, जब वो सीट पर नहीं मिलते हैं तो समोसे चाय की दुकान पर, भल्ले चाट पकौड़े की दुकान पर मिलते हैं, क्लाइंट को बिठाए होते हैं, ज़्यादातर ये होता है। अब ये ई गवर्नेंस के ज़माने में इस बात पर थोड़ी सी गाज गिरी है और इनका चरित्र सुधरा है थोड़ा सा, लेकिन नॉर्मली ये होता है, ये पाए नहीं जाते अपनी सीटों पर, क्योंकि अगर सीट पर पाए गए तो फिर काहे बात के कर्मचारी, तो ये तो होता नहीं है नॉर्मली, एक्सेप्शंस हैं। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले बिजनौर में, मैंने सब क्लर्कों को एकदम कह दिया था कि सब सीट मिलेंगे, चाय यहीं सर्व होगी, चाय वालों को मैंने बिल्कुल ये कर दिया था कि आप यहीं सर्व करेंगे, चाय की दुकान पर कोई नहीं जाएगा, और मेरी सिटिंग ऐसी थी, मैंने बदलवा ली थी कि मुझे सारे क्लर्क्स का हॉल जो है सामने दिखता था, और वहाँ पर मैंने घंटी और सीसीटीवी भी लगवा दिया था, जिसे कंप्लेंट करके लोगों ने बंद करवा दिया कि सीसीटीवी क्यों लगवाया, किस मैनुअल में प्रोविजन है वगैरह वगैरह, शासन ने मना कर दिया कि सीसीटीवी नहीं लगवा सकते, नहीं तो एक पैसा ना ले पाते, बिल्कुल दिमाग सही हो जाता, लेकिन शासन ने मना कर दिया कि कहाँ से प्रोविजन है, किस नियम में लिखा हुआ है, उन्हीं लोगों ने शिकायत की होगी, तो ऐसा भी होता है। तो मसूरी में जब मैंने उनका ये व्यवहार देखा नवीन का, तो मुझे बड़ा ही, मैंने कहा आप बैठिए आप आईएएस हैं, बोले नहीं इस समय मैं सब ट्रेजरी अफसर हूँ, आप सीनियर ट्रेजरी अफसर के स्थान पर हैं, आपका सम्मान करना मेरा फ़र्ज है। और वो जितनी देर बैठे रहे, जितनी देर मैंने निरीक्षण किया, उतनी देर वो मुझे सर कहते रहे।
आप आश्चर्य करेंगे, बाद में वो किसी मंत्रालय में जब सचिव थे, मुख्य सचिव थे, जिसे प्रमुख सचिव कहते हैं, प्रमुख सचिव थे, तो मैं एक बार वीरेश कुमार जी से मिलने गया, जो मेरे साथी थे आईएएस, जो मेरे विभाग के प्रमुख सचिव थे, बस यूं ही मिलने गया, मैं काम से नहीं मिलता किसी से। मैं वहाँ गया था अपने किसी मैटर को लेकर जो कि सरकारी काम था, तो मुझे नेम प्लेट लगी दिखी वीरेश कुमार जी, मैंने पर्ची भिजवाई, मैंने कहा वीरेश कुमार जी से मिल लेता हूँ। वो मिले, बड़े प्रेम से मिले, बोले बताओ और क्या। मैंने कहा किसी काम से नहीं आया, आप विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं, मैं विभाग का लगभग सबसे जूनियर अधिकारी हूँ, इतना फ़र्क आईएएस और पीसीएस में होता है, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आपके साथ मैंने ट्रेनिंग की है। ऐसे ही संजीव शरण जी थे, ऐसे ही बद्री प्रसाद नीलरत्न थे, ये तमाम आईएएस मेरे साथ जो ट्रेनिंग किए जब ये बड़े बड़े पदों पर थे, तो बाई द वे मेरा मिलना हो गया तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही नवीन जो है, वो जब प्रमुख सचिव थे या एडिशनल थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जब मैं अपने किसी मंतव्य से गया था, किसी काम से जाना पड़ता है सचिवालय, के बहुत सारे काम होते हैं, जब आप इंचार्ज होते हैं, बड़े पद पे होते हैं, तो आपको सचिवालय तो आना ही जाना पड़ता है। तो जब मैंने बोर्ड देखा तो मैंने पर्ची भिजवाई कि वंस अपॉन ए टाइम आई यूज टू बी ट्रेजरी ऑफिसर मुरादा देहरादून, एंड उसके आगे लिखा मैंने कैंड यू आर द एक्स ऑफिशियो सब ट्रेजरी ऑफिसर मसूरी, जस्ट आई एम हियर टू गिव यू ए कर्टसी कॉल ओनली। इतनी खुशी से उन्होंने बुलाया और मिले। तो ये चरित्र एक आईएएस का होता है। मैं कई पीसीएस अधिकारियों से, मैं बड़े खेद के साथ कहता हूँ, जब मैंने आगरा में चार्ज लिया तो डिपार्टमेंट में मेरा स्वागत कैसे हुआ। डिपार्टमेंट में मिश्रा जी थे एक इंचार्ज अधिकारियों के, एसटीओ ए कहते थे उस समय उन्हें, असिस्टेंट कमिश्नर ए, ए माने एडमिनिस्ट्रेटिव। मीटिंग ले रहे थे, मैं चार्ज लेने उस दिन पहुंचा हुआ था, तो मैं मीटिंग में चला गया, तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी, कौन घुस रहा है अंदर। बड़ा सा हॉल था, मैंने कहा पास आके, मैंने कहा मैं पास आता गया तभी तो बोलूँगा, अरे आप चलते चले आ रहे हैं भाई, क्यों चले आ रहे हैं, क्या बात है। मैंने कहा सर मैंने अभी अभी चार्ज लिया है तो मीटिंग में मैं आ गया हूँ, और ये कोई टाइम होता। मैंने कहा सर चार्ज ही अभी लिया है मैंने, जाइए निकलिए आप मीटिंग से बाहर जाइए, मैं ये पसंद नहीं करता कोई जो है टाइम के बाद आए। निकाल दिया मुझे, मुझे बहुत ऑड लगा। विभाग में पहला दिन सेल्स टैक्स बकरी कर विभाग, बिक्री कर यार बकरी कर, वहीं से एकदम से घृणा हो गई उसी समय। फिर शाम को कुछ लोगों ने कहा, मैं मिला दो चार लोगों से, तो कुछ लोगों ने कहा कि कर्टसी कॉल कराइए आप सेल्स टैक्स कॉलोनी में, आपको मकान अलॉट हुआ है, आप परिवार लाएंगे। जब परिवार ले आए तो कुछ सीनियर अधिकारियों से मिलाइए, परिवार ले आए एक हफ्ते के अंदर, सीनियर अधिकारी से एक से मिलने पहुंचा, दरवाज़ा नॉक किया, घंटी बजाई, निकले बाहर, उन्होंने देखा, बोले कहिए। मैंने कहा मैं सेक्टर 9 का ऑफिसर हूँ, अभी चार्ज लिया है एक हफ्ते पहले, आपसे मिलने आया था। बोले ठीक है मिल लिए, ठीक है ओके, जाइए मैं बिजी हूँ, जाइए काम करिए जाके। दिस वॉज द एटीट्यूड ईडियट्स, यस द सीनियर्स, सो मैनी सीनियर्स वर परफेक्ट ईडियट्स इन दिस डिपार्टमेंट, जिन्हें तमीज़ नहीं थी। वहीं प्रशासन में क्या होता है, प्रशासन में ये होता है कि जब मैं मुरादाबाद ट्रेजरी अफसर था, वो प्रशासन कहलाता है, डीएम कॉलोनी में रहता था, कर्टसी कॉल करने गया, चंद्रिका राय उनसे मिलने गया, बड़े ही छोटे भाई की तरह, इतना अपनापन, इतना सब, एडीएम सिटी थे गुप्ता जी, इतना अपनापन, इतने प्यार से, एसपी सिटी यादव जी, एडीएम सप्लाई मूलचंद यादव जी, सबने मिलके, जब मैं सबसे मिल आया, सबने कहा कि, बल्कि वो थी वाइस चेयरमैन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कौर संधु करके उनका नाम था, कौर के पहले क्या था मैं भूल गया, नाम, मेरी पत्नी की बड़ी अच्छी मित्र हो गई थी बाद में वो, तो उन्होंने कहा कि टीओ साहब आप सब जगह घूम रहे हैं, हम लोग मिलके आपकी दावत कर देते हैं। अगले दिन लंच रूम में, डीएम के लंच रूम में मेरा स्वागत समारोह हुआ, जिसमें सभी लोगों ने, सभी अधिकारी आए जो नहीं भी आते थे, और लास्ट में आप ताज्जुब करेंगे, डीएम जो कभी नहीं आते थे वो भी आए,
बोले भाई ये तो खजाना अधिकारी हैं, इनके बिना तो कोई काम ही नहीं चलेगा, मैं बस 2 मिनट के लिए आया हूँ, आपके साथ एक समोसा खाता हूँ और जा रहा हूँ। कालिका प्रसाद डीएम थे। ये व्यवहार है आईएएस लोगों का, प्रॉपर पीसीएस लोगों का जो एसडीएम से एडीएम वगैरह बनते हैं, और ये व्यवहार था हमारे विभाग के लोगों का, सेल्स टैक्स वालों का, जो पैसे के अलावा कुछ नहीं सोचते, जिनके जीवन में केवल धन ही सब कुछ है। मैं गाज़ियाबाद में चार्ज लिया, बहुत सीनियर हो गया था, गाज़ियाबाद में चार्ज लिया, एक सीनियर के पास पहुंचा। एक नियम है कि भाई सीनियर से मिल लो भले ही वो डांट दें, तो वो ठीक उसी समय किसी व्यापारी से मेज पे गिन रहे थे पैसे घूस के और काहे के, कोई वो ठाकुर जी पे चढ़ावा थोड़ी चढ़ रहा था वहाँ। तो मैं पहुंच गया तो छिपा लिए उन्होंने, मैं बैठ गया। अब मुझे लगा मैं गलत समय पे आ गया, कहते भी नहीं बन रहा था, व्यापारी को जल्दी थी, व्यापारी दे नहीं पाया था, उसने लौट के अपनी जेब में रख लिए थे, और वो महोदय ले नहीं पाए थे, तो उन्हें बड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा और भाई दीक्षित कैसे क्या ले लिया, चार्ज ले लिया? मैंने कहा हाँ सर ले लिया, बस आपसे मिलने आया था। तो मैं 2 मिनट बैठने को था, मुझे ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा। बोले ठीक है साथ बैठ के चाय पीते हैं शाम को आइए, अभी मैं ज़रा बिजी हूँ। मन में तो आया कि कहूँ हाँ गिन नहीं पाए, तो मैं चला आया। यहाँ का रवैया ये था, वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं, नो वेलकमिंग एटीट्यूड। एक दो अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने प्यार से वेलकम किया भी, लेकिन वो ज़्यादा रिलिश नहीं करते थे, क्योंकि जितनी देर कोई बैठेगा उनके कमरे में टर्नओवर कम हो जाएगा, शायद कोई मुर्गा फंस जाए, शायद कुछ। ओपनली ऑफिस में लेते थे लोग, सीधे सीधे पकड़े भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है, पकड़े भी गए धरे भी गए। 200 रुपये घूस लेने पे जीवन भर नौकरी नहीं कर पाए एक सज्जन, खेरिया एयरपोर्ट पे घी के टिन पकड़ लिए थे, हवाई जहाज से घी के टिन आ रहे थे। उस बेवकूफ़ आदमी को ये नहीं समझ में आया कि हवाई जहाज से कोई घी के टिन क्यों ला रहा है, अरे इसके अंदर पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन्होंने घी पे टैक्स कैलकुलेट किया, उस आदमी ने 200 रुपये दिए, उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद जो है टीम लगी हुई थी उनने पकड़ लिया रंगे हाथों, नौकरी चली गई। रिटायरमेंट के नज़दीक सुप्रीम कोर्ट से जीते, ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट ने फिर सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, जीवन भर नौकरी नहीं कर पाए 200 रुपये के ऊपर। ऐसा भी होता है, लेकिन यही मामला अगर वो पकड़ते, मैं गारंटी से कहता हूँ कि ड्रग्स होंगे उनके अंदर, कुछ भी होगा। कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी ये सोच लेगा कि यार 5 टिन घी के कोई हवाई जहाज़ से क्यों लाएगा, और उस आदमी ने बहाना क्या बनाया, पिताजी की 13वीं है, तो जो अरे डेथ सर्टिफिकेट मांग लेते भैया 13वीं है तो दिखाओ तो कि कब मरे पिताजी तुम्हारे। लेकिन वो वहीं पर निपटारा, मौके का निपटारा करके पैसे ले लिए। इतना मतलब मैंने निकृष्ट विभाग नहीं देखा कभी, ट्रेजरी अफसर रहने के नाते सभी विभाग मैंने देखे, इतना निकृष्ट विभाग नहीं। बेटे अगर मेहनत करनी है थोड़ी ज़्यादा करना, जो आईएएस ही बनो, पीसीएस कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं है, आप हमेशा सबॉर्डिनेशन में रहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा बहुत मिल जाएगा लेकिन बड़े ही लतखोरी का पैसा है, बहुत टेंशन का पैसा होता है, घूस का तो है ही, और क्या, और कौन सी तनख्वाह वो आपको जो है वो मिल रहे हैं, बहुत लतखोरी का पैसा है। लतखोरी जानते हो ना, लात खा खा के, मतलब निकृष्टतम। एक सिद्धांत हमारे यहाँ कहा जाता है चौबे जी का, बैल सिद्धांत। कोई चौबे जी किसी बहुत सीनियर अधिकारी रहे होंगे, हमारे ज़माने में रिटायर हो गए, तो वो कहते थे सेल्स टैक्स का अफसर जो होता है बैल की तरह होना चाहिए, मुंह नाद में डाले रहे, चारा खाता रहे, पीछे से एक डंडा मारा तो लेफ्ट को डंडा मारा तो राइट को घूम गया, पिछवाड़ा खाली, और अगर पीछे से डंडा इधर से मारा तो उधर को घूम गया, आधा हिस्सा घूमते रहना चाहिए पीछे वाला, आगे मुंह हमेशा नाद में रहना चाहिए, चारा खाते रहो खाते रहो खाते रहो। इट्स ऑल एब्सर्ड, सो आई कुड नॉट रेलिश। ट्रेजरी अफसर छोड़ा क्यों, सेल्स टैक्स में गया क्यों, डीएम साहब की मेहरबानी से। विजय शर्मा जी ने बहुत ज़्यादा कहा था, मेरे ख्याल से विजय शर्मा जी थे उस समय, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पड़े रहोगे, यहाँ तुम केवल एक एलिवेटेड बैंक मैनेजर की तरह रहोगे, सेल्स टैक्स में तुम्हारे पास क्वासी जुडिशियल पावर हैं, तुम्हारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तुम्हारा ना, हाँ वो हुआ, नाम हुआ, बट बहुत गंदा डिपार्टमेंट था। बेटे मेरी शुभकामना तुम्हारे लिए यही है कि इतनी परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो कि आईएएस के पदों पर पहुँचो। आईएएस के पदों का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी में कोई छोटी मोटी पोस्ट पर लटक गए, 25-26 तरह की पोस्ट होती है, प्रॉपर आईएएस बनिए, टॉपर्स में रहिए, और मैं आपको टॉपर बनाने के सारे नुस्खे सिखाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा टॉपर रहा।
आईएएस की परीक्षा मैं दे ही नहीं सका था, मेरी तो उम्र निकल गई थी जब सोचा था मैंने देने की, तो सिर्फ पीसीएस लायक बचा था मैं। ये बात सबको मैं हज़ार बार बता चुका हूँ, नए लोगों को मैं दोबारा दोहराऊँगा, पिछले लोग बोर हो जाएंगे, पक जाएंगे। थैंक यू।